दिल फिर मतवाला हो जाता है जब जब तेरा जिक्र होता है। भुला देता हूं मैं उम्र अपनी, हो के बेफिक्र जिक्र जब जब तेरा होता है। ये तो महज तेरा जिक्र है दोस्त जो मुझे इतना बदल देता है। क्या बताऊं मैं तुझे, नजदीक लगने लगता है वो आसमां मुझे, घर देख ले मेरी आंखें तुझे। वेल, बड़ी प्यारी चीज होती है दोस्त, है ना। और रिसेंटली मैं अपने होम टाउन गया बिना अपने दोस्तों को बताए, बिकॉज मुझे उनको सरप्राइज करना था और वो रिएक्शंस मुझे इस कैमरे में कैद करने थे, एंड आई डिड दैट। तो चलिए मिलवाता हूँ आपको अपने दोस्तों से और देखते हैं उनके प्राइसलेस रिएक्शंस। आई एम गोइंग टू मीट मनीष नाउ, लेट्स सी हिज रिएक्शन। मिल गया, मजा आ गया, बंदा मिल गया तेरे को ग्रीन टी शर्ट में। सरप्राइज क्या हाल है? बस कैफा लगा मेरा सरप्राइज, बहुत बढ़िया। तो मैं आज ही आया, तो मुझे डाउट तो हुआ कुछ। सो दैट्स माय फ्रेंड मनीष, मुझे कुछ डाउट तो हुआ। वेल, ये मेरा स्कूल था जहाँ से मैंने 11, 12 पास किया। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने अपने दोस्त को बोला गाड़ी रोक यार, यहाँ भी एक छोटा सा वीडियो बना। नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर मी। यहीं से हम आते थे और साइकिल उस गेट से अंदर लेके जाते थे, वो वाला गेट है, और कभी कभी यहाँ से भी एंट्री करते थे। दोस मोमेंट्स। तो हमें एक पेट्रोल पंप पे और मनीष ने भी गाड़ी में पेट्रोल फुल कराया, as you can see। और मैं इससे एक सवाल पूछने वाला हूँ जो अक्सर ये हमसे बोलता रहता है कि मुरथल चलते हैं यार, मुरथल चलते हैं। तो मुरथल यहाँ की खास जगह है जहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। थोड़ा सा फरीदाबाद से डिस्टेंस ज़्यादा है, बट ये इसकी फेवरेट जगह है। तो लेट्स जस्ट आस्क हिम। टैंकी फुल करा ली? हाँ। मुरथल जा रहे हैं क्या? ये इसकी फेवरेट जगह है भाई, कभी भी बैठते हैं यार, मुरथल चले, मुरथल चले। मैं तुझे लगा नहीं है कि आज मनीष अचानक कैसे आ गया। So that's my friend Mohit, very cute guy, very sweet guy। थोड़ा लाइट लेने चलना, लाइट में। और घर चलते हैं। एक और प्लीज, एक और संतोष को भी सरप्राइज। तो आज सरप्राइज डे, सरप्राइज विजिट में मैं निकला हूँ एक्चुअली। That's my friend Santosh। और थोड़ा सा सरप्राइज बिगड़ गया, प्लानिंग थोड़ी सी फेल हो गई एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, तेरे को अच्छा तो लगा ना। अरे इसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ये कितना खुश है अंदर से, यहाँ से। We are at a restaurant। खाना आ गया। हेलो जी, अनदर ब्यूटीफुल फ्रेंड। क्या हाल है भैया? तो ये हमारे हेमराज जी हैं, एक और खूबसूरत दोस्त मेरा। ये आदमी ना अभी फरीदाबाद के जैम से निकल के आया। कितना जैम था भाई? और मैं इनसे बोल रहा हूँ कि मेरी मुंबई बेस्ट है इस मामले में। ये भी जैम से निकल के आया है और कहाँ गया? ये भी जैम से निकल के आया है। और हम कल दो तीन दिन फंस के आए।
और कितने किलो कितने किलोमीटर के रेडियस में जाम लगता है? ओनली 2 किलोमीटर मुंबई. आई यू लिसनिंग मुंबई, आई लव यू. 2 किलोमीटर में 2 घंटे. अभी आपने बोला कि दोस्त स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं. बट वाई? बिकॉज हम दोस्तों को कुछ भी कह सकते हैं और किसी भी तरह की बात हम शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ. करेक्ट. दोस्त एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है. क्यों? क्योंकि हम दोस्त से ना अपनी सारी बातें, सारा दुख और जितने भी अपने जज्बात होते हैं, सब तरीके की बातें हम उससे कर सकते हैं. ओके, तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन. वही रहेगा. दोस्त एक दोस्त एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है. क्यों? क्योंकि हम दोस्त से सारी बातें कर सकते हैं, सब तरीके की बातें और रिलैक्स फील करते हैं. हाँ, सबकी एक ही बात है. नवीन, दोस्त एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है. क्यों? दोस्ती के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो आप, पहले का शेयर नहीं कर सकते. उससे लड़ाई कर सकते हो, गाली दे सकते हो. दोस्त एक स्ट्रेस बस्टर होता है. क्यों? मतलब क्या आपका भी वही मानना है या फिर कुछ और विचार? वही मानना है हमारा, क्योंकि सब कुछ शेयर कर सकते हैं. सब कुछ शेयर. वेरी गुड. ये चीजें हम नॉर्मली अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोस्त के साथ कर लेते हैं. राइट? ओके. नागर, मैं आपको म्यूट करता हूँ. प्लीज, यू आर म्यूटेड नाउ, डोंट स्पीक. हाँ भाई, दोस्त मैं तेरे को भी नजर आ रही है. मैं तेरे को भी म्यूट, तेरे को भी म्यूट करता हूँ. ओए, यू आर ऑल्सो म्यूटेड. 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, यू आर ऑल्सो म्यूटेड. शट अप नाउ. दोस्त एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है. इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? कुछ नहीं भाई. डिबेट इस बात पे चल रहा है कि गाड़ी रात को ड्राइव करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. मनीष, तेरा क्या कहना है? करनी चाहिए, भले ही नींद आ रही है. पावर नैप लेगा. अच्छा, मोहित, तेरा क्या कहना है? कुछ भी करो, कुछ भी करो, ये मरवाएगा. नवीन, तेरा क्या कहना है? नहीं करनी चाहिए. विनोद, नहीं करनी चाहिए. एमू, जाना चाहिए. अगर अच्छे ड्राइवर हो साथ में तो मोटरसाइकिल जरूर जाए. मेरे हिसाब से गाड़ी बिल्कुल आप नाइट में भी ड्राइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपने अच्छी नींद ली है दिन में या एक पिछली रात में, तो आप नाइट में ड्राइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ये बात बताओ कि रात को ड्राइविंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया. तो मेरे हिसाब से ड्राइव नहीं करनी चाहिए, अनलेस इट इज लाइफ एंड डेथ सिचुएशन. नहीं करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट नो. अगर मजबूरी हो तो बोल तो दिया मैंने, अनलेस इट इज लाइफ एंड डेथ सिचुएशन. बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना. याद कर लेगी दुनिया. कैसी गई तेरी इवनिंग? मस्त एकदम. मजा आया? मजा आया. तो मैं रोज आऊंगा यहाँ पे? रोज. चलो ठीक है. मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे भगवान ने इतने सुंदर लोग दोस्त के रूप में दिए. दीज आर द पीपल आई कैन काउंट ऑन एट एनी आवर ऑफ द डे. योर ब्रोस. वेल, ये थे मेरे कुछ अनमोल रतन, मेरे चंगू मंगू. और मैं दुआ करूंगा कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे चंगू मंगू बने रहें, और अगर नहीं हैं तो आप इन्हें अपने परिवार में कहीं ढूंढ लें, जिनके साथ बैठ के आप अपने मन का बोझ हल्का कर सकें.
जैसा कि आपने इस वीडियो की शुरुआती लाइंस में पढ़ा होगा, हल्के रहने में फायदा है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद एन इक्वली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। टेक केयर टिल देन।